हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जुलाई महीना कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए वेट कर रहे हैं जुलाई महीने के लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। आपको यहाँ पर हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपके करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से, फैमिली से, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। सो अगर आपकी राशि पाइसिस है, यानी कि मीन राशि है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है जुलाई महीने में। तो स्टार, ओके, एक मेजर अरकाना, देन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर टू ऑफ वंड्स की एनर्जी है, साथ में यहाँ पर थ्री ऑफ वंड्स, ओके, क्वीन ऑफ वंड्स एंड द सन। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ कप्स, ओके। देखो, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जुलाई महीने में आपको कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलने वाले हैं, हो सकता है जिस जिसका आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप रिजेक्ट कर दो, होल्ड कर दो, या फिर हो सकता है कि आप इस टाइम पर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं रहोगे, क्योंकि आपको कुछ और चीज़ें चाहिए था, उसके बदले कुछ और आपको मिलने वाला है। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है, ये किसी भी साइड से हो सकता है, करियर के साइड से, लव लाइफ के साइड से, नो मैटर, बट कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलने वाला है, बट मिलने वाला है, कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, देख लेते हैं वो क्या है। यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लियो की एनर्जी हाई है, फायर साइन एरीज, लियो सैजिटेरियस हैं एंड एक्वेरियस की एनर्जी अलग से दिख रही है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। सो यस, फायर साइन की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है मुझे, ओके। तो जुलाई महीने के स्टार्टिंग में मुझे दिख रही है कि आपके कोई एक विश पूरा होने वाला है, जो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वे में आपको दिखने वाला है। उस चीज़ के दौरान आप बहुत हद तक खुश होने वाले हो, आपके मन में बहुत सारा खुशियाँ एंटर करने वाला है। तो एक इंस्पिरेशन, एक हेल्प, एक सपोर्ट, साथ में कुछ ड्रीम का फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है जुलाई स्टार्टिंग में। जहाँ पर आपको होप एकदम से नहीं था, वहाँ पर आपको होप दिखाई देगा, होप जन्म लेता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर थ्री ऑफ वंड्स के दौरान दिख रही है मुझे कि आप कि आपके सामने हो सकता है कि एक रास्ता ब्लॉक हो जाए, आपका जो गोल है, जो टारगेट है, वो फिक्स रहेगा। आप एक रास्ते को ब्लॉक देखकर अपनी मंजिल के बारे में या फिर अपने गोल टारगेट को छोड़ने नहीं वाले हो, उनके बारे में सोचना बंद नहीं करने वाले हो, आप दूसरा रास्ता निकालते हुए दिख रहे हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। फाइन, आपके मन में इस टाइम पर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो जिसकी वजह से मुझे दिख रही है कि आप हर एक काम को इस टाइम पर पॉसिबल करने के लिए सक्षम रहोगे, ओके। आपके लिए इस टाइम पर कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं होने वाला है, जिस वजह से आप यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते हुए दिख रहे हो। जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगा, उस चीज़ के पैथ पर अगर कोई भी रुकावटें आ रहा है, तो आप दूसरे साइड से उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करोगे, बट रुकने नहीं वाले हो, ये एक चीज़ दिख रही है। मिड जुलाई के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वंड्स है, ओके। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहाँ पर आपको जाना है, आपका डेस्टिनी क्या है, आपका मंजिल कैसा दिखता है, या फिर जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा बुरा है या फिर अच्छा है, आपको कुछ भी नहीं पता है, बट आप चल रहे हो, ये एक चीज़ दिख रही है। आपके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी आप चलते हुए दिख रहे हो, आप यहाँ पर कोशिश करते हुए दिख रहे हो जुलाई मिड में कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए, कुछ स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ओके। यहाँ पर कोशिश बहुत हद तक दिख रही है। आप इस टाइम पर अपने करियर के साइड से बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हो, अपने खुद को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी बनते हुए दिख रहे हो। आपको इस टाइम पर दूसरों के ऊपर नज़र रखने का, या फिर दूसरों से बातें करने का, दूसरों से गॉसिप करने का, दूसरों को किसी भी तरफ से टाइम देने का एकदम से मौका नहीं मिलेगा, ओके। सो ये एक चीज़ दिख रही है। आप इस टाइम पर बहुत हद तक लॉयल, ऑनेस्ट पर्सन बनते हुए दिख रहे हो एंड वो लव लाइफ के साइड से भी सेम चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स के दौरान दिख रही हैं कि आपके अंदर पावर की कमी नहीं रहेगा। आप सेल्फ सफिशियंट एक पर्सन हो, आप इस टाइम पर खुद से चलते हुए दिख रहे हो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। आपके पास सब कुछ है, ब्यूटी है, पावर है, पोटेंशियल भी है, आपके फैमिली का सपोर्ट भी है कुछ हद तक दिख रही है, तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को चीज़ को लेकर बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर और एक चीज़ शो कर रही है ये कार्ड कि आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हो, किसी का बुरा करके आप कुछ भी चीज़ें ना हासिल नहीं करना चाहते हो, आपका मन बहुत साफ है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। तो इस चीज़ की वजह से ही कहीं ना कहीं दिख रही है कि लोग आपको जैसा भी ट्रीट करें,
कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर ना एक क्वीन के वाइब्स में रहते हुए दिख रहे हो, हर एक का मुंह नहीं लगने वाले हो। तो यहाँ पर एंड जुलाई के लिए दिख रही है मुझे कि टू ऑफ वांड्स एंड द सन। वाओ, टू ऑफ वांड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप एंड जुलाई में अपने मन की करने वाले हो। आपको जहाँ पर अच्छा लगता है आप वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो, वहाँ पर आप स्टे करने वाले हो, वहाँ पर ही आप अपना खुशी को ढूंढने वाले हो, अपने मन का पीस को ढूंढने वाले हो। तो इस टाइम पर कोई कुछ भी कहे, आप इस टाइम पर अपने मन की ही सुनने वाले हो, मन की करने वाले हो। एंड ये कार्ड ना एक ट्रेवल की भी बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा भी दिख रही है जुलाई एंड में। अगर आप घर से दूर या फिर घर से बहुत पास कहीं पर जाना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, एडवेंचर में निकलना चाहते हो, तो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन मिल रही है, मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ट्रैवल के लिए। ओके, सो यस, एंड इस टाइम पर आप कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हो जो आपको अच्छा नहीं लगता है। कोई कितना भी फोर्स करे, कोई कितना भी आपको कहे कि चलो ये करो वो करो, तो वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, वो चाहे करियर के साइड से हो, आपको जो अच्छा लगेगा वही करने वाले हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, एंड इस चीज़ का ही फल आपको सन कार्ड के दौरान मिलने वाला है। मतलब कि इस टाइम पर आप जो भी पैथ को डिसाइड करोगे, जिस भी पैथ पर आप चलोगे, वो आपको बहुत हद तक खुशी प्रदान करने वाला है, पीस प्रदान करने वाला है, ब्लेसिंग्स प्रदान करने वाला है। इस टाइम पर गॉड आपके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, आपके मन आपको बहुत हद तक गाइड करते हुए दिख रहे हैं, एंड बहुत सारे कामों में आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके कंधों से कुछ बोझ हटता हुआ दिख रहा है, फ्री महसूस करते हुए दिख रहे हो, एक चाइल्ड की तरह। ये जो चाइल्ड है ना, ये आप हो। इस टाइम पर डिवाइन आपको इतना अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने वाले हैं, इतना अच्छा गाइड करने वाले हैं, केयर करने वाले हैं आपका, कि आप जस्ट खुद को लकी महसूस करोगे इस टाइम पर। अगर कुछ हेल्थ इशू भी था आपका या फिर है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकवरी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मन में अगर कुछ खरोचे था तो वो भी यहाँ पर सही होता हुआ दिख रहा है। ओके, धीरे धीरे से एक क्या बताऊँ, हीलिंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपका ज़िंदगी। ओके, सो जुलाई मंथ में आपका लाइफ में, आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है मुझे। देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं जुलाई के लिए। यहाँ पर है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। देखो, इस टाइम पर आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी कंक्लूड नहीं करना है। डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं, डिवाइन ने ऑलरेडी बहुत कुछ लिख दिया है आपके भाग्य में, बट अगर अभी कुछ सिचुएशन को देख कर आप कुछ गलत थॉट्स लगा रहे हो या फिर कुछ गलत प्रेडिक्शन करके बैठे हो, कुछ चीज़ों ऐसा सोच रहे हो कि भविष्य में जाकर आपका भविष्य ऑलरेडी ख़राब हो सकता है, मतलब कि अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रख रहे हो कुछ सिचुएशन को देखकर, तो डिवाइन आपको उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। ओके, सो एंड यहाँ पर है अ विन विन आउटकम इज़ फोकस। डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि एक सक्सेस आपको मिलने वाला है, एक विक्ट्री मिलने वाला है आपके लाइफ में, एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है। ओके, अबंडेंस भी आने वाला है एंड जुलाई के लिए दिख रही है मुझे। ओके, मिड जुलाई से एंड जुलाई के अंदर आपके लाइफ में अबंडेंस एंटर करती हुई दिख रही है। बहुत सारा पैसा आपको मिलने वाला है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे तो उस साइड से भी चीज़ें बैलेंस में आने वाला है। अगर आप किसी के ऊपर अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, किसी को चेस करते फिर रहे थे, तो उस साइड से भी दिख रही है मुझे कि बैलेंस क्रिएट होने वाला है। वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो यस, आपको एक जीत वाला खुशी, एक जीत वाला वाइब्स प्राप्त होने वाला है जुलाई महीने में। सो नॉट टू वरी, डिवाइन आपके साथ है। सो थैंक यू पाइसिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग पॉइंट तक देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।